फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा कटलेट, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोहा कटलेट की रेसिपी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है पोहा, इसको हम फ्लैटर राइस भी बोलते हैं या चिवड़ा भी बोलते हैं। तो इसको हमें सबसे पहले तो चिवड़ा को अच्छे से पोहे को वॉश करना है, 2-3 बार अच्छे से वॉश करना है, जो भी गंदगी है उसको साफ करना है। उसके बाद हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको सोक करके छोड़ देना है 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देख सकते हैं आप, फूल गए हैं 20 मिनट बाद, और ये आराम से मसलने से, इसको ऐसे करने से, प्रेस करने से देखिए ऐसे टूट जा रहा है आराम से। तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये जब फूल जाएगा 20 मिनट रखने के बाद, तब हम इसको मैश करेंगे। यहाँ पे हमने बॉयल आलू लिया है, पोटैटो एक बड़ा, इसको भी अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे हमने पोहा कटलेट बनाने के लिए जो मसाले लिए हैं वो है, 1 चम्मच के करीब हमने साबुत जीरा लिया है, गोल मिर्च पाउडर लिया है, चिली फ्लेक्स है, नमक स्वाद अनुसार, ये 10 से 12 कड़ी पत्ता, इसको हमने चॉप्ड कर लिया है, और ये थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर है। पोहा कटलेट फ्राई करने के लिए ये रिफाइन ऑयल है। ये वे पोहे हैं, इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। तो इसको अच्छे से हमें मैश करना है। आप स्पून की सहायता से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ का यूज कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ये अच्छे से हमने इसको डो बना लिया। देखिए कितना अच्छा से ये डो बन के तैयार हो गया। अब इसी में हम जो मैश किया हुआ बॉयल आलू है, इसे भी हम डालेंगे। अब इन दोनों को, और इसमें सारे मसाले भी डालेंगे, साबुत जीरा, चाट मसाला, करी पत्ता, गोल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं ये डो बन के तैयार हो गया। अब हम हथेली में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और उसके बाद हम टिकिया टाइप या कोई भी शेप में आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो कटलेट बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। हाथ में बीच में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से छोटा छोटा टिकिया, इसको ऐसे ऐसे करके गोल इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा फ्लैट करेंगे। ये टिकिया ज़्यादा ना ही पतली बनाना है ना ज़्यादा मोटा, मीडियम बनेगा। इसको साइड से हम प्रेस करेंगे ताकि फटे ना। तो ये बन के तैयार हो गई। आप अपने हिसाब से शेप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के सारे कटलेट बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने बाकी के सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। तो अब हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई बैठा दी हमने, अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा गर्म करेंगे। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, तो अब हम ऑयल डालेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा गरम करेंगे, उसके बाद आंच को हम धीमा करेंगे मीडियम। तो ऑयल देख सकते हैं अच्छे से गरम हो गया है, तो हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम करेंगे और हम अपना कटलेट डालेंगे। अब इसे एक साइड पकने देंगे, इसके बाद हम इसको पलटेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन एक साइड हो जाए, इसके बाद हमें पलटना है। अब हम इसे पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से
इधर देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे, देख सकते हैं दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएंगे। तो ये हमने फ्राई करके निकाल लिया। इसी तरह से बाकी के कटलेट भी हम फ्राई करेंगे। तो हम बाकी के कटलेट भी डाल देंगे। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये बनके तैयार हो गए हमारे पोहा कटलेट। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, कोई भी सॉस चटनी के साथ। तो अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को एक लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।